हेलो दोस्तों, और आज वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ श्रीनगर की सबसे फेमस जगह जिसके लिए श्रीनगर जाना जाता है, डल लेक, डल झील। और हम जस्ट पहुँच चुके हैं। अच्छा दोस्तों, अभी हम घूम रहे हैं शिकारा में, और ये शिकारा हमने लिया है डल गेट पर, जो आपके घाट है। यहाँ पर घाट नंबर 1 से 20 तक घाट बने हुए हैं। किसी भी घाट पर आप देखेंगे काफ़ी शिकारा वाले आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप शिकारा ले सकते हैं। शिकारा का प्राइस जो रहेगा आपका, मई जून जो है यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं, काफ़ी टूरिज्म रहता है, सीज़न रहता है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, हर चीज़ काफ़ी महंगी मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आप मॉर्निंग या नून में लेंगे तो आपको 500 या 700 में शिकारा आपको मिल जाएगा, 1 घंटे आपको घुमाएंगे। लेकिन इवनिंग में आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। अगर इवनिंग में आप घूमते हैं तो 3000-4000 से कम बहुत मुश्किल ही आपको मिलेगा, बहुत ही कम चांसेस होंगे आपको 1000 या 1500 में भी मिले शाम को। तो आप नून में या मॉर्निंग में देखें तो सही रहेगा, लेकिन शाम को घूमने का अलग ही मज़ा है शिकारा में। देखिए कितने सुंदर व्यूज़ आप देखेंगे शिकारा से, बहुत खूबसूरत डल लेक और उनमें चलती हुई शिकाराएँ आप देख पाएंगे। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये है फ्लोटिंग मार्केट, इसको डल लेक का फ्लोटिंग मार्केट बोला जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पानी के ऊपर ही पूरा मार्केट लगा हुआ है, हर चीज़, हर शॉप, कपड़े की, इवन एटीएम भी आपको यहाँ दिख जाएंगे, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। पानी के ऊपर पूरा मार्केट है, डल लेक का बहुत फेमस मार्केट है ये फ्लोटिंग मार्केट। अगर आप शिकारा में घूमते हैं तो आपको 8 पॉइंट्स ही दिखाते हैं, उनमें से एक पॉइंट है ये फ्लोटिंग मार्केट। और आप इवन यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो बोट रुकवा कर किसी भी शॉप पर शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर बोट फ्लोटिंग मार्केट। दोस्तों, ये दूसरा मार्केट है, इसको बोलते हैं मीना मार्केट, ये भी डल लेक में ही है। यहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ भी देखेंगे आप हर तरह की शॉप्स आप यहाँ देख पाएंगे, हर तरह की चीज़, हर चीज़ आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। कश्मीर की फेमस चीज़ें आप यहाँ पर ख़रीद पाएंगे। अगर आप शॉपिंग करते हैं, यहाँ भी आप बोट रुकवा कर शॉपिंग कर सकते हैं। मीना मार्केट डल लेक का, यह भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर। और शिकारा में अगर आप घूमेंगे, आप शॉपिंग नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ घूमना चाहते हैं, तो अभी शिकारा वाले आपको ये सब मार्केट दिखाएंगे यहाँ पर। और शिकारा में घूमते हुए अब शाम, काफ़ी शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। और सामने आप चोटी पे देखेंगे शंकराचार्य मंदिर, आप देख पाएंगे पहाड़ की चोटी पर, वो भी घूमने की एक बहुत अच्छी जगह है श्रीनगर में। अभी जैसे ही हम यहाँ से डल लेक से निकलते हैं तो हम शंकराचार्य टेम्पल जाने का प्लान है नेक्स्ट, आप आने वाली वीडियोज़ में देख पाएंगे। इस वीडियो में तो नहीं दिखा सकेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी।
दोस्तों अभी हम अपनी हाउस बोट पर हैं और यहाँ से व्यू आप देखेंगे कितना औसम व्यू है। सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ की उसी पहाड़ की चोटी पर शंकराचार्य टेम्पल है। और उसके बाद हम अभी अपना सामान रखने यहाँ पर आए हैं, उसके बाद हम सीधा वहीं पर जाएंगे। दोस्तों आप हमारी हाउस बोट भी देख सकते हैं, अंदर से काफ़ी सुंदर हाउस बोट है, काफ़ी सुंदर व्यू है, काफ़ी बाहर बालकनी टाइप है। यहाँ पे बैठ के आप काफ़ी शाम को बैठ के आप यहाँ पे चाय पी सकते, सुबह चाय पी सकते हैं। और यहाँ पे विंडो से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। और अंदर हम आपको रूम में लेके चलते हैं, देखिए काफ़ी अच्छी ठीक बोट है, व्यू रूम भी अच्छे हैं। और विंडोज़ से आप बाहर देखेंगे तो आपको दूर दूर तक डल झील ही दिखाई देगी। और अब ये हमारा रूम है, काफ़ी अच्छा काफ़ी डिसेंट रूम मिल जाएगा आपको। ये रूम जो है हमें पड़ा है, जब आप यहाँ पर आएंगे बोट हाउस लेने तो तीन कैटेगरी आपको बताते हैं, डीलक्स, सुपर डीलक्स और एक नॉर्मल कैटेगरी। जो आपको डीलक्स कैटेगरी है वो 3000 समथिंग का पड़ेगा, और जो आपका सुपर डीलक्स रहेगा वो 4-5 हज़ार का पड़ेगा। नॉर्मल कैटेगरी रूम आपको 2-3 हज़ार के आसपास बोलते हैं ये, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग वगैरह करते हैं, 4-5 जगह बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1500-2000 रुपये तक आपको रूम मिल जाएगा। हमें 1500 रुपये का पड़ा रूम, तो इतना महंगा नहीं है, पर आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, 2-4 जगह लोगों से बात करनी पड़ेगी। जब आप डल गेट पर आते हैं और घाट है वहाँ पर, घाट बने हुए हैं, घाट नंबर लिखे हुए हैं उनके ऊपर बकायदा, घाट नंबर 1-20। तो उन घाट पर ही आप शिकारा वाले, आपको बहुत सारे शिकारा वाले मिलते हैं जहाँ से आप शिकारा के लिए घूमने के लिए लेते हैं। उस शिकारा वालों से आप बात कर सकते हैं बोट हाउस के लिए, या फिर काफ़ी लोग वहाँ पर खड़े भी रहते हैं बोट हाउस वाले भी। इवन देखिए कितना सुंदर व्यू है होटल के बाहर हमारे, और सामने पहाड़ पर आप देखेंगे, इसी पहाड़ की चोटी पर शंकराचार्य टेम्पल है। दोस्तों रात के टाइम शिकारा में घूमने का अलग ही मज़ा है, डल लेक में रात के टाइम कितना सुंदर व्यू आप देखेंगे ना। अगर आप यहाँ पर आते हैं और शिकारा में घूमते हैं तो रात में नहीं घूमें तो फिर देखिए आप क्या मिस कर देंगे। रात में जो है डल लेक को गोल्डन लेक भी कहा जाता है, क्योंकि जो लाइट्स यहाँ पर जलती हैं इससे ये जो है पूरी येलो येलो इसका वाटर जो है येलो येलो दिखाई देता है, तो इसलिए इसको गोल्डन लेक बोलते हैं रात के टाइम पे। चारों तरफ जो ये आप दिख रहे हैं बोट हाउसेज हैं जिनमें लाइट्स जली हुई है, इसकी वजह से इनकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है बोट की। बहुत सुंदर व्यू आप देखते हैं रात को, तो आपको ज़रूर ही शिकारा में घूमना चाहिए एक बार, रात के टाइम देख लीजिए आप कितना सुंदर व्यू है डल लेक में।